11 मार्च 2022 शनशाह कलंदर के नगरी में उर्स मुबारक की तैयारियां हो रही हैं। मेला ग्राउंड है, ये पेमेंट लगाई जा रही है। नज़ारा दिखाते हैं अपने कलंदरी भाइयों को। ये उर्स मुबारक की निशानियां हैं। उर्स मुबारक की तैयारी की जा रही है मेले के लिए। सामने शेड भी बनाया गया है। ये दीवार गिर गई थी और वो सामने जो दीवार है वो भी गिर गई थी, उसको खड़ा किया गया है। दीवार मरम्मत की गई है। ये तामीराती काम जारी है और उर्स मुबारक की तैयारी है। जहाज चौक पे ये मेला ग्राउंड है। मेले की नुमाइशें, सरकारी गैर सरकारी नुमाइशें यहाँ पर लगती हैं। लोगों के लिए तफरी का यहाँ पर मैदान होता है मेले में। जुमे का मुबारक दिन है 11 मार्च 2022। शनशाह कलंदर की नगरी में ये एडवर्टाइज़र आ गए हैं। दीवारों पर करोना कंपनी के इश्तहार लगाए जा रहे हैं। ये मेले की निशानियां हैं, मेले की तैयारी है। सखीलाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक पे कंपनी की मशहूरी की जा रही है। सरकारी अस्पताल सामने है और पीछे देखेंगे तो जहाज वाला चौक है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से पेंटर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई सलाम अलैकुम। क्या नाम है भाई? शकील नाम है मेरा। कहाँ से? हैदराबाद से। अच्छा, ये कितने दिन करेंगे? ये अंग्रेजी 15 तारीख तक काम करेंगे। उसके बाद ये बस क्लोज करेंगे। रश हो जाएगी? जी रश हो जाएगी। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आएंगे, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान आएगा तकरीबन, इसलिए फिर हमें काम क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, मेले की क्या पोजीशन है? मेले की पोजीशन ये है कि अभी सुनने में आ रहा है कि अच्छा होगा। अच्छा, वहाँ से ऑर्डर आ गया आप ये मेले के लिए? मेले के लिए एडवर्टाइजिंग है। जी। भाई ये 7 शरीफ में उर्स मुबारक की तैयारियाँ हो रही है। दीवारों को पेंट किया जा रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है। नया पेंट करके करोना लिखा गया है, कंपनी की मशहूरी है। और बहुत सारी ऐसे दुकान सामने अगर देखेंगे तो दुकान भी पेंट हो रहे हैं। उधर भी यही करोना लिखना है? जी, उधर भी करोना है। ये कंपनी का हिसाब है हर जगह पर, जो कंपनी है। डोंग वाले भी लिखा रहे हैं, बहुत सारे मेले में इन्वेस्ट करते हैं, शो करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। तो ये मेले की तैयारियां हैं, अपने कलंदरी भाइयों को दिखाते हैं। बाकी मेले में बस एक हफ्ता ही जाके बचा है, 7-8 या 9 दिन बचे हैं। इंशाल्लाह सखीलाल शाहबाज कलंदर की नगरी में उस मुबारक बड़ी अकीदत से मनाएंगे।